फ्रेंड्स, आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो। आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट भी कर दी है, लेकिन आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, इसीलिए आपकी जो अर्निंग है महीने की वो जीरो है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो कि एफिलिएट प्रोडक्ट को कैसे सेल करें ब्लॉग के थ्रू, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल डिजिटल राहुल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है उनके लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सक्सेसफुल टेक्निक्स बताने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। आप अपने सेल्स की जो ग्रोथ है 200% तक इंक्रीज कर सकते हैं, जो टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका यूज करके। फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना और उसको प्रोसीड करना बहुत ही कठिन होता है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल्स नहीं होगा तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, ये चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कह लो या कोई बिजनेस है। जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा तभी आपकी अर्निंग होगी, तभी आपका प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं वो टेक्निक्स क्या है। फ्रेंड्स, चाहे बात हमारी हुई चाहे आपकी हुई, अगर हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम सबसे पहले रिव्यू देखते हैं। ये आजकल एक ट्रेंड चला है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले रिव्यू देखना, रिव्यू पढ़ना कि उस प्रोडक्ट का कैसा रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यू है या निगेटिव रिव्यू है। तो सपोज अगर हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू होता है, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू गया होता है, तो हम उस प्रोडक्ट को बिना कुछ सोचे खरीद लेते हैं। तो ठीक यही काम करना है, आपका जो अपना प्रोडक्ट है उसके लिए एक रिव्यू लिखना होगा आपके अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट आप चूज करें अपने ब्लॉग के लिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा एफिलिएट मार्केटिंग में हर उस शख्स को जो एफिलिएट मार्केटिंग करता है, उसी नीश को चुने, उसी प्रोडक्ट को चुने जिसका कभी ना कभी वो यूज किया हो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसका रिव्यू नहीं दे सकते हो, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब किसी चीज को हम जानते हैं बेहतर तरीके से तो हम उसका रिव्यू बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक ब्लॉग बनाना होगा अपने ब्लॉग पे, और जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसके बारे में एक पॉजिटिव और ऑनेस्ट रिव्यू आपको लिखना होगा अपने ब्लॉग में। क्योंकि जब भी रिव्यू लिखें कभी भी कोई फेक रिव्यू ना लिखें, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर सारी कंप्लीट जानकारी देनी होगी, डिटेल में जानकारी देनी होगी अपने ब्लॉग में, ठीक है। और उस ब्लॉग पे जानकारी देने के बाद आपको अपने लिंक्स को उसमें छोड़ना होगा। सपोज जैसे मान लीजिए अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें और एफिलिएट प्रोडक्ट में उसको आप सेल करते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं ट्रिमर की, ट्रिमर बहुत से लोग यूज करते हैं, जो जितने भी यूथ हैं ट्रिमर का यूज करते हैं। तो अगर आप किसी ट्रिमर के बारे में रिव्यू लिख रहे हैं तो आप एक 500-600 वर्ड्स का एक ब्लॉग लिखें, प्रॉपर कंप्लीट जानकारी दें उस ट्रिमर के बारे में, प्राइस रिलेटेड सारी चीजें, और वहां पे आप एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप यहां से इसको परचेज कर सकते हैं, और उस कॉल टू एक्शन में आप अपने एफिलिएट का लिंक दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका ब्लॉग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे और उनको रिव्यू आपका अच्छा लगेगा, फीडबैक अच्छा लगेगा, तो वहां से परचेज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है आपके ब्लॉग के थ्रू सेल्स हो सकता है। और जो बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े जो एफिलिएट मार्केटर हैं, वो इस टेक्निक का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं दूसरा सक्सेसफुल ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रमोशनल पोस्ट का। शायद आप जानते भी होंगे कि प्रमोशनल पोस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या कोई जो हमारा एफिलिएट का प्रोडक्ट है उसे हम चाहते हैं सेल करना, तो हम उसके बारे में एक प्रमोशनल पोस्ट लिखते हैं। यानी प्रमोशनल पोस्ट होता है कि हम हाई इंटेंशन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं गूगल कीवर्ड्स प्लानर में, जिसपे बहुत ज्यादा बिडिंग्स होती हैं और बहुत ही ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम होता है उसका, ठीक है। उसको हम टाइटल में मेंशन करके एक ब्लॉग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया फोन मार्केट में आया, ठीक है, रेडमी 8 प्रो फोन नया आया, ठीक है। अब आप रेडमी 8 प्रो को सर्च करेंगे गूगल में कि किस तरह के लोग सर्च कर रहे हैं इस फोन को लेके, ठीक है। तो आप रेडमी 8 प्रो के बारे में रिव्यू लिख दीजिए या हाउ टू बाई रेडमी 8 प्रो, ठीक है, इस तरह की चीजें करके आप अपने एक ब्लॉग बनाएं। और सेम ब्लॉग जैसा रिव्यू वाला ब्लॉग मैंने आपको बताया था बनाने के लिए, ये भी ऐसे ब्लॉग बनेगा, लेकिन ये प्रोमोशनल ब्लॉग है, तो इसको आप प्रॉपर एक ऐसे सेल्स पिच के थ्रू बनाएंगे कि मतलब ये आप सेल कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें सारे फीचर्स होंगे आपके फोन के, क्या ड्रॉबैक है, क्या उसका गुड फीडबैक है, ये सारी चीजें आप उसमें डिटेल डाल देंगे, ठीक है। और वहां पे भी आप कॉल टू एक्शन दे देंगे कि कैसे परचेज करें इस प्रोडक्ट को, ठीक है, वहां पे भी आप अपना लिंक दे देंगे। उसके बाद इस ब्लॉग को आप फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। गूगल पे क्या है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, अगर गूगल पे आप जाएंगे पेपर क्लिक के थ्रू तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन फेसबुक पे आप
एज अ बूस्ट पोस्ट करके बहुत ही कम पैसे में बहुत ही ज्यादा रीच पा सकते हैं अपने पोस्ट पे। तो यहां से क्या होगा कि ये ब्लॉग आपका वायरल होगा फेसबुक पे ऐड के थ्रू, और वहां से भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। और जो थर्ड टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कूपन का यूज करना। फ्रेंड्स, कूपन हो गया, फ्री हो गया, रिवार्ड हो गया, ये ऐसा कौन है जिसको पसंद नहीं है? ये चीजें सबको पसंद है। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट है एफिलिएट के थ्रू आप सेल करना चाहते हैं, तो उसका आप एक कूपन जनरेट कर लें। अगर वर्डप्रेस पे आपका ब्लॉग है तो वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लगइन है जहां पे कूपन आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो कूपन जनरेट कर लीजिए और उसका यूज कीजिए आप अपने ब्लॉग पे, कहीं साइड में या किसी बैनर पे यूज करके आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थ्री टेक्निक्स मैंने आपको बताई जिनका यूज आप अपने ब्लॉग पे करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और 200% तक आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।